हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा शेयर जिसने पिछले एक महीने में तहलका मचा रखा है। मतलब हर 75 रुपये पे 75 रुपये, 75 रुपीज़ पर 75 रुपीज़ अब तक कमा कर दे चुका है। ये मान के चलिए ये शेयर पिछले महीने ऐसी 70-80 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा भूचाल आया, ऐसा तहलका आया, ऐसा जलजला आया कि ये एकाएक ऐसा उड़ने लगा मानो पंख लग गए हों। तो आप सोचेंगे भाई क्या ऐसा क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। हर किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। स्टॉक मार्केट में कोई शेयर यूं ही नहीं उड़ता और कोई शेयर यूं ही नहीं गिरता। इस चीज़ को अगर आप जान जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट की बारीकियां समझने लग गए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि क्या कारण इसके पीछे हो सकता है, क्या रीज़न है। तो कोई डूबा तो कोई तो इस शेयर को मिला सारा फायदा। अब मतलब देखिए, दो कॉम्पिटिटर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अगर एक कॉम्पिटिटर बिल्कुल डूब जाए तो उसका सारा, उसके कस्टमर जितने हैं सब किसके पास आएंगे, दूसरे के पास आएंगे। जब दूसरे के पास आएंगे तो दूसरा तो उड़ेगा ही। बस यही रीजन था जिसकी वजह से ये शेयर इतना उड़ा और हर 75 रुपये से 75 रुपये कमा के दिए एक महीने में। डबल मैं कहूँगा, डबल से भी ऊपर। तो चलिए बात करते हैं कौन सा ये शेयर, और राकेश झुंझुनवाला जी की बहुत जबरदस्त होल्डिंग इस शेयर में है। अभी शेयर में जबरदस्त गिरावट आया था, उस टाइम पे राकेश झुंझुनवाला जी ने बिल्कुल अपनी होल्डिंग सेल नहीं करी क्योंकि पूरा भरोसा उन्होंने जता रखा था। अब देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये शेयर बिल्कुल अगर आप देखोगे 20 मार्च 2019 को 70-80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद एकदम ब्रेकआउट आया, शेयर उछला 100-104 के आसपास गया, फिर लेकिन थोड़ा सा करेक्ट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई। और ये बिल्कुल ये जो पैटर्न देख रहे हो ना आप, बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न जो आप देख रहे हो, इसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। जब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे खत्म हुए, ट्रायंगल खत्म होने की कोशिश करी और ये ब्रेकआउट आया, जब ये अपर लाइन टूटी ट्रायंगल की, और उसके बाद तो भैया रुकने का नाम नहीं लिया, सीधे जाके रुका 153-152 के आसपास रुका। तो आप सोचिए, हर 75 रुपये पे 75 रुपये से ऊपर की कमाई करके दी, अब प्रॉफिट बुकिंग होके डाउन है कि कितने दिन लगातार अपर सर्किट लगा, 1-2-3-4 दिन का अपर, मतलब ये गैप अप पैटर्न बढ़िया जबरदस्त मैं कहूंगा भाई, रुकने का नाम नहीं। कौन सा शेयर है ये, वो जान लीजिए। कंपनी का नाम है स्पाइस जेट लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, एयरलाइन की दुनिया में छोटा प्लेयर जरूर है लेकिन जबरदस्त प्लेयर। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या रीजन है। अगर आपने देखा होगा कि आजकल की डेट में आप डेली डे टू डे सुन रहे होंगे जेट एयरवेज की हालत क्या हो रही है। अगर हालत आपको जेट एयरवेज की पता नहीं है तो ये स्टॉक काफ़ी कुछ बता देगा आपको, ये चार्ट काफ़ी कुछ बता देगा कि जेट एयरवेज की हालत क्या हो रखी है। 900 रुपये का शेयर 160 तक, फिर थोड़ा चढ़ने की कोशिश करी, रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन फिर वापस जो ये कल का है कि ऑपरेशन बंद हो गए, एम्प्लॉयज रो रहे हैं कि भैया नौकरी नहीं है, सारा कुछ ग्राउंड कर दिए सारे प्लेन। अब देखिए क्या, अब इसने ये सपोर्ट, ये जो लाइन है सपोर्ट 160 की, ये भी ऑलमोस्ट टूट जाएगी और उसके बाद कहाँ जाएगा, बिल्कुल किंगफिशर की तरह नीचे आ रहा है, धकेला जा रहा है। ये सपोर्ट इसका देखिए 2012 का सपोर्ट है, इससे नीचे का सपोर्ट देखिए जेट एयरवेज का कहाँ, 100 रुपीज़ के लेवल पे। तो वही बिल्कुल डूब चुका है, ख़त्म हो रहा है, तो वो सारा फ़ायदा स्पाइस जेट ले रहा है। अब देखिए स्पाइस जेट का अगर आप बेसिक डिटेल देखें तो छोटा सा प्लेयर मैं कहूँगा इसको, 8,00,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 136 का प्राइस था आज की डेट में, देखिए कहाँ से टच करके, हाई टच करके आया 136 पे, ये 153 का हाई टच करके आया। अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसका चार्ट दिखाऊं आपको तो देखिए, इससे पहले भी, अब दूसरी चीज़, एक तो मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बताया और दूसरी चीज़ एक और पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ये देखिए 153-50 से ऊपर का ये रेजिस्टेंस लेवल था इसका, 150-155 की रेंज, वो रेंज ये इतनी जबरदस्त बाइंग के बाद भी, इतनी जबरदस्त उछाल के बाद भी इसको पार नहीं कर पाया। आप खुद सोचिए इसको पार नहीं पाया कर पाया। और जो गिरावट आई थी, वो जो गिरावट ये 60 रुपये तक आई थी, ये देखिए पुराने लेवल को पार, वहीं पे आके रुका था ये। अब ये पॉइंट आप समझिए, अगर इस पॉइंट को समझोगे आप तो आप अगर चार्ट रीड करते हो तो यहाँ पे कि कहाँ पे शेयर को बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, खिलाड़ी कहूँगा मैं यहाँ पे, वो यहाँ पे 150 के लेवल पे आके उन्होंने 148-150 पे शेयर निकाल दिया होगा, नो डाउट। उन्होंने कहा चलो यार बेचो, हो गया जितना होना है, तो निकाल चुके होंगे, क्योंकि जो अच्छे प्लेयर्स होंगे यहाँ पे। और
कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं भैया है जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले नहीं है वो अपना जबरदस्त। अब यहाँ पे दो चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, इससे पहले भी एक बिल्कुल कंटिन्यूएशन पैटर्न जो बना था जबरदस्त वाला, ये साल भर का पैटर्न था, यहाँ पे भी जबरदस्त जंप आया था। और ये देखिए आप जो अभी मैंने आपको बताया वो पिछले एक महीने में कितना जबरदस्त पैटर्न बना वो देखिए एक महीने में। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ये फॉलो होते हैं, देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल सेम तरीके से इन्हें, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हमने स्पाइस जेट की डिटेल्स तो देखी, अब जरा आप राकेश झुंझुनवाला जी का नाम तो सुन रहे होंगे। देखिए राकेश झुंझुनवाला जी का आपने जैसे नाम इससे जोड़ा है तो देख लेते हैं, 10 लाख शेयर अभी पिछले साल खरीदे हैं, उससे पहले 2014 में उन्होंने 75 लाख शेयर्स खरीद लगे। अब आप सोचिए 75 लाख शेयर्स क्या रेट पे खरीदे, 17 रुपए के रेट पे खरीदे हुए हैं। और आप देखिए किस अभी जब गिरावट आई थी तो 60 रुपए पे चला गया था शेयर, क्या राकेश झुंझुनवाला जी ने बेचा? नहीं बेचा। अब एयरलाइन की दुनिया में अगर आप देखोगे जैसे इंडिगो है, जेट एयरवेज है और स्पाइस जेट है, यही तीन मेजरली ऑपरेट करते हैं इंडिया में, बाकी सब ऑपरेट करते हैं लेकिन अगर मेजर कंट्रीब्यूशन है तो इन्हीं का है इंडियन में एयरलाइन इंडस्ट्री में। और एयरलाइन इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है डेफिनेटली, ऑल दो अब अभी के टाइम पर आप सोचोगे मैं अब स्पाइस जेट का शेयर ले लेता हूँ तो मैं तो कहूँगा भाई अब तो वो बहुत उड़ चुका है, बहुत ज़्यादा उड़ चुका है बल्कि ऊपर। अब थोड़ा सा उसमें करेक्शन आएगी, लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जब वो एक लेवल तक आएगा गिरावट में, फिर उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अभी तो वो उड़ चुका है और बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आई थी पिछले 6 महीने से चल रही थी 60-70-80-90 रुपए के आसपास की, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्युमुलेशन जोन था वो। अब स्पाइस जेट का अगर आप देखें यहाँ पे मेन रीजन देखिए स्पाइस जेट ने क्या किया, स्पाइस जेट ने लगातार मतलब डे टू डे न्यूज़ देखे। अभी लेटेस्ट न्यूज़ 24 नई फ्लाइट और वो कर रहा है बोइंग 737S की, चलिए भैया बढ़िया बात है। अभी जब बीच में जब गिरावट आई थी तब बोइंग के जो बोइंग मैक्स वाले प्लेन्स है वो इसको लैंड करने पड़े थे क्योंकि उसमें अभी जो एयरलाइन इथियोपियन एयरलाइन क्रैश हुई थी उस रीजन की वजह से पूरा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ गया था बोइंग को, वो प्लेन्स हर जगह से ग्राउंड करने पड़े थे, वो अब उड़ ही नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से भी नई फ्लाइट्स नए प्लेन्स लाने पड़े। अब यहाँ पे नए 24 न्यू फ्लाइट लॉन्च करेगा बोइंग 737 की स्पाइस जेट, जेट एयरवेज की कसर तो कहीं से उतारेगा, प्रॉफिट डायरेक्टली किसको होगा? स्पाइस जेट को, क्योंकि इसकी यहाँ पे सेल बढ़ रही है, सारी चीजें यहाँ पे बढ़ रही हैं। अब ये देखिए अब ये न्यूज आप देख रहे होंगे, स्पाइस जेट टू इंडक्ट 27 प्लेन्स आफ्टर जेट एयरवेज सस्पेंड ऑपरेशन। जब उन्होंने ऑपरेशन सस्पेंड किया तो पैसेंजर्स तो भी वो कम नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे दे आर डायरेक्टली जो बेनिफिट हो रहा है स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों शेयर्स बेनिफिट ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंगल स्पाइस जेट, यहाँ पे इंडिगो भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहा है और नए नए प्लेन्स आप देखिए 6 मोर बोइंग 737-800NG एयरक्राफ्ट अभी लिया है ड्राई लीज पे, उसके बाद 16 बोइंग 737 प्लेन जो 90 सीटर बॉम्बार्डियर Q400 प्लेन। अब हर जगह स्पाइस जेट इसीलिए छाया हुआ है क्योंकि फटाफट रिकवरी, मौका देख के जो चौका ही नहीं छक्का मार दे वही मैं कहूँगा रियल बैट्समैन है। और स्पाइस जेट ने वो काम किया है, आते ही देखा उन्होंने भाई जेट एयरवेज लैंड हो रहा है, पैसेंजर यहाँ पे आएंगे और टिकट्स तो बढ़े ही बढ़े, प्राइस तो बढ़ा ही बढ़ा आप ये देखिए, लेकिन स्पाइस जेट इंडिगो स्टॉक्स है रन टू फास्ट, मतलब बहुत फास्ट और बहुत जल्दी उड़े ये स्टॉक्स। आप देखिए अभी जेट एयरवेज शेयर प्लंज, राइवल रेस टू ग्रैब ग्राउंडेड कैरियर स्लॉट्स, सब फटाफट मतलब कि जितने नीचे हैं वो नहीं तो हम उड़ाएंगे इनको। स्पाइस जेट एक्सपेंड रीजनल फ्लीट साइज टू 32 एड्स 5 मोर बॉम्बार्डियर Q400। अब आप ये देखिए ये रीजन है, ये जितने आप ये न्यूज़ देख रहे हो ये हेडिंग्स देख रहे हो कि स्पाइस जेट टू एड 5 मोर 90 सीटर बॉम्बार्डियर Q400 प्लेन टू फ्लीट, ये जो ये देख रहे हो ना यही कारण है जो स्पाइस जेट के शेयर में उड़ान आई। अब देखिए स्पाइस जेट टू बिगिन सेवरल इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम मुंबई, अब वो इंटरनेशनल फ्लाइट में भी, अभी तक तो डोमेस्टिक का बादशाह माना जाता था, अब स्पाइस जेट को हांगकांग, जेडा, दुबई, कोलंबो, ढाका, रियाद, बैंकॉक, काठमांडू, इन सब की प्लेन भी अब स्पाइस जेट, भैया और क्या चाहिए। तो ये रीजन है, ये कारण है कि स्पाइस जेट उड़ रहा है। अब जो वैल्यूएशन गैप था इंडिगो और स्पाइस जेट का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मतलब स्पाइस जेट विल बी कंपेयर्ड डायरेक्टली विद इंडिगो, आज तक तो बहुत छोटा प्लेयर माना जाता था लेकिन अब इस रीजन की वजह से स्पाइस जेट जो उड़ान भरी है इस रीजन की वजह से बेहतरीन मैं कहूँगा। चलिए ये तो आपने देख लिया, राकेश झुंझुनवाला देख लिया, कारण देख लिया स्पाइस जेट के उड़ने का, एक नज़र देखिए स्पाइस जेट की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। भाई अजय सिंह कमाल के बंदे मैं कहूँगा, 51% होल्डिंग उनकी है स्पाइस जेट को, बिल्कुल ऐसा चमकाता हुआ बनाया उन्होंने, रिलायंस की अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें, रिलायंस की जो कैपिटल ट्रस्टी फंड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की अच्छी खासी होल्डिंग है जैसे राकेश झुंझुनवाला की मैंने आपको बताया था। लेकिन इस शेयर में एक बात अभी भी है, 39% शेयर्स गिरवी हैं, पॉजिटिव के साथ साथ ये पॉइंट भी ध्यान रखें, 39% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो गिरवी रखे हुए शेयर्स तो
आ जाएंगे वापस। 58 FII, 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बहुत पैसा लगा रखा है। चलिए, ये ओवरऑल हमने बात करी स्पाइसजेट की, मैं कहूँगा बेहतरीन शेयर है, लेकिन अभी जो है जो सेंटीमेंट्स हैं वो अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की ओर ज़्यादा रहेंगे। और अगर इसका वॉल्यूम देखोगे तो ज़बरदस्त वॉल्यूम पिछले 5 दिनों में ट्रेड हुआ है, करीब करीबन करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के हिसाब से पर डे के हिसाब से एवरेज इतना देखने को मिल रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।